बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली पर। पिछले वीडियो में जो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और जो बकाया आपको हम होमवर्क में दे थे उसको आज हम सॉल्व करेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन थे फिफ्थ सिक्स सेवन उसको भी हम आज सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ नंबर आपको मैंने होमवर्क में दिया था, वो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ नंबर सेवन फोर टू नाइन ये क्वेश्चन था, अब हम सॉल्व करते हैं। इसको हम देखते हैं, जैसे बच्चों ये दो और तीन से नहीं कटेगा, इसका हम पिछले वीडियो में जो इसका काटने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट इसको सत्रह से हम काटते हैं, क्योंकि ये सत्रह से कट जाएगा। सत्रह चौको अड़सठ, सत्रह चौको अड़सठ, अड़सठ में कितने बचे, अड़सठ चार छः बचे, ये तो हुआ सिक्सटी टू हुआ, सत्रह त्या इक्यावन, अब कितने बचे ग्यारह, सत्रह सत्तर एक सौ उन्नीस होता है, ये बचा चार सौ सैंतीस। अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा उन्नीस से, उन्नीस दूना अड़तीस, अब बचा कितना, बचा कितना पाँच, तो ये कितना हो जाएगा संतावन हो जाएगा, उन्नीस त्या संतावन, अब ये किससे कटेगा तेईस, तेईस तो तेईस से कटेगा। अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, गुणनफल के रूप में इसको लिख लेते हैं, सत्रह इंटू उन्नीस इंटू तेईस। बच्चों इसको इतना काट बस के छोड़ना नहीं है, इसको गुणनफल के रूप में जरूर लिखना है, क्योंकि आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसका आ गया ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड था वो हम आपको करा रहे हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहना चाह रहा है कि इन्हीं दो संख्या, जैसे ये दो संख्याएं दी हैं इन्हीं के गुणनखंड और इन्हीं इन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंडों के बराबर होगा। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तीन सौ छत्तीस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे जैसे कि दो दो से कैसे डिवाइड होगा, तीन से कैसे डिवाइड होगा, तो आपको पिछले वीडियो में देख लेना, हम डायरेक्ट यहाँ पे काट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब ये कटेगा दो से, दो एक दो, दो छक्का बारह, एक हासिल बची, एक ही तो है सोलह, दो नमा दो अट्ठे सोलह, अब फिर ये दो से कटेगा, दो अट्ठे सोलह, दो चौको आठ, अब फिर ये दो से कटेगा, दो चौको आठ, दो दूनी चार, अब फिर ये दो से कटेगा, जब तक दो से कटेगा तब तक हम इसको काटेंगे, दो दूनी चार, दो एक का दो, अब ये दो से नहीं कटेगा, इक्कीस दो से नहीं कट सकता। अब हम इसको तीन से देखते हैं, तीन सते इक्कीस, अब ये सात बचा, सात तो केवल सात से कटेगा, सात एक का सात, अब ऐसे हम 54 का भी देख लेते हैं। 54 में भी लास्ट में चार है, ये भी दो से कटना स्टार्ट होती है, इसको पहले हम दो से काटते हैं, दो दूनी चार, दो सत्ते चौदह, अब ये कटेगा दो से, हम नहीं कटेगा क्योंकि अब तीन से कटेगा, क्योंकि लास्ट में सात है, तो अब तीन से इसको देखते हैं, तीन नमा सत्ताईस, तीन त्रिकाएं नौ, तीन एक का तीन, जब तक जो संख्या से कटेगा उसी संख्या से हम काटते जाएंगे, दूसरी संख्या नहीं देखेंगे, जब उस संख्या से नहीं कटेगा तो हम दूसरी संख्या को देखेंगे। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं,
336 का 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 होगा। ऐसे ही 54 का लिख लेते हैं, 2 × 3 × 3 × 3। क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था, इन्हीं दो संख्याओं का गुणनखंड, तो पहले हम इन दो संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं, फिर इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो पहले हम इन दो संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं, फिर इनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। गुणनखंड हम यहाँ कर लेते हैं, चार छंग 24, 24 की चार हासिल 2, चार तय 12, 12 दो 14, 14 की चार हासिल 1, चार तय 12, 12 एक 13, 5 छका 30, 30 की शून्य हासिल 3 आई, 3 5 तय 15, 15 तीन 18, 18 की 8 हासिल 1, 5 तय 15, 15 एक 16, 4 आ गया, ये 4 आ गया, 8 दो 10 11 की 1 हासिल 1 आया, 6 एक 7, 7 तय 8 आ गया, 1 8 आ गया, और ये आ गया 18144 आया ये। अब इसका हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ पिछले वीडियो में आपको बताए थे, एचसीएफ जिस मिलेगा वही एचसीएफ इसका होगा। इसमें देखिए 2 मिल रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है और 3 का बन रहा है, सिर्फ 2 ही संख्या इसमें मिल रही है। इसका हो जाएगा 2 × 3, इसका एचसीएफ हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम लिख लेंगे, मतलब सारी संख्या जो बचेंगे इसमें लिख लेंगे हम, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 3 × 3, जो भी संख्याएं थी वो हम पूरे इसमें लिख लिए हैं। दो दूनी 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 तय 48, 48 48, 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63 का हम गुणा कर लेते हैं। 3 8 24 की 4 हासिल 2, 4 तय 12, 12 2 14, 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 6 चौको 24, 24 4 28, आया 4, 8 × 2 = 10, 10 × 2 = 12 हासिल 1, 8 × 9 = 10 हासिल आई 1, 2 = 3, 30 24 आया यहाँ पे, एलसीएम आया 30 24। अब क्वेश्चन में ये बोला था इन्हीं दो संख्याओं को, मतलब इन दो संख्याओं के जो गुणनखंड थे इसका एलसीएफ और एचसीएफ के गुणनखंड के बराबर होंगे, तब हम एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ कितना था, 6 × 3024, ये आ गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, 6 × 24 की 4 हासिल 2, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 14, हासिल 1, ये 0 है तो यहाँ पे 1 उतर आएगा, 6 × 3 = 18, ये और ये देखिए दोनों बराबर आ गए ना, ये आपको सिद्ध होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये तीसरा जो हम आपको होमवर्क दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे में सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसका हो जाएगा 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसको हम अब सॉल्व करते हैं, गुणनखंड से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 8 का पहले कर लेते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब यहाँ 9 का कर लेते हैं, ये अब 9 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। अब 25 के कर लेते हैं, 25 तो 5 से कटेगा, 5 × 25, 5 × 5 = 5। अब इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से जमा के, 8 का कितना है, 2 × 2 × 2 है, 9 का कितना है, 3 × 3 है, अब 25 का कितना है,
फाइव इंटू फाइव है। अब इसका हम एस सी एफ निकालेंगे। एस सी एफ, एस सी एफ हम बच्चों हम बताए थे जो तीनों में कॉमन होगा वही एस सी एफ होगा, क्योंकि इसमें तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, एक एक है। एस सी एफ हम एक लिख लेंगे। एल सी एम, एल सी एम में हम तो पूरी संख्या लिखते हैं, टू इंटू टू इंटू टू, एक में एक एक लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए हम एक नहीं लिख रहे हैं। ठीक, फाइव इंटू फाइव। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो दूनी चार, चार दून आठ, आठ तीन चौबीस, चौबीस त्या, चार तीन बारह दो, हाँ सिले, तीन दून छः एक सात, चौबीस त्या बहत्तर, बहत्तर बहत्तर में हम पचम पच्चीस का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाँच दो दस, उन्नासी एक, पाँच सात पैंतीस, पैंतीस एक छत्तीस, दो दूनी चार, सात दो चौदह जीरो, छः चार दस, उन्नासी एक, चार तीन सात सात आठ, एक ही आ जाएगा। एल सी एम आपका आया अठारह सौ, एस सी एफ आपका एक आया है, एल सी एम आपका अठारह, यही आपको क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या एन के लिए संख्या सिक्स की पावर एन अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम पहले ये कि प्रमेय है, थ्योरम टाइप की है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। माना कि सिक्स पावर n का अभाज्य गुणनखंड टू इंटू थ्री की पावर एन है। इसको हम सिक्स को टू इंटू थ्री के रूप में तोड़ लेंगे, फिर सिक्स की पावर एन बराबर टू इंटू थ्री की पावर एन, सिक्स के बराबर एन बराबर, अब इसको हम तोड़ लेंगे, अलग अलग करेंगे, टू की पावर एन इंटू थ्री की पावर एन। ठीक है बच्चों, अब इसको हम और स्टेप बाय, क्योंकि आप थ्योरम में इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तभी आपको मार्क्स एग्जाम में नंबर मिलेंगे। आता है, कोई प्राकृत संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी, कोई प्राकृत संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनफल टू इंटू फाइव के रूप में होगा। आता है, सिक्स की पावर एन शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ये आपकी एक थ्योरम है। इसको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको
सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि सिक्स पावर सिक्स को सिर्फ आपको तोड़ना है टू इंटू थ्री पे, फिर इसको अलग करना। जैसे कि सिक्स पावर एन बराबर टू इंटू थ्री, सिक्स पावर एन को इसको अलग कर लेंगे क्योंकि कोष्टक में है, तो इसको जब अलग ग्रह करेंगे पावर टू में भी आ जाएगी, थ्री में भी आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे ऐसे लिखना है, जैसे पूछा है कि किसी प्राकृत संख्या एन के लिए संख्या सिक्स पावर एन जीरो पर समाप्त होगी, हो सकती है या नहीं, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अतः कोई प्राकृत संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 5 दून 10, 10 जीरो आता लास्ट में तो जीरो पर, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3 आता है, इसमें जीरो नहीं आता, इसलिए 6 पावर एन शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। अब इसको हम पार्ट ए पार्ट बी के रूप में सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब इसके आंसर आएगा तब हम भाज्य संख्या बताएंगे कौन सी है कौन सी नहीं है, इसका सॉल्व करते हैं हम। माना कि पार्ट ए बराबर, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको हम 13 कॉमन लेंगे क्योंकि एक पार्ट ये होगा एक ये अलग है, इसको हम इसमें 13, इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, इसे हम 13 कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचेगा, 7 इंटू 11 और प्लस 1 बचेगा क्योंकि हमने 13 कॉमन लिया, दोनों साइड से 13 मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको हम 13 इंटू 11 सतह 77 अंदर हम मल्टीप्लाई कर लें और ये प्लस 1 बचा है। फिर हम आगे की स्टेप और लेंगे, 11 सतह 77 था, 77 प्लस 1 78 हो जाएगा, ये दो संख्या आ गई। ठीक, ये दो संख्या आ गए, अब हम इसमें लिखेंगे कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं। आता है यह भाज्य संख्या है, आता है यह भाज्य संख्या है कि क्योंकि अभाज्य गुणन खंड एक को छोड़कर अन्य दो गुणन खंड है। इसी प्रकार बच्चों पार्ट बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। जैसा कि इसमें 13 13 कॉमन निकला, इसमें 5 और 5 है, इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे, फिर जो बचेगा हम लिख लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बचा, क्योंकि 5 कॉमन लिया तो 1 बचेगा 5 इंटू। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सत्तर 42 42, 4 तेई 12, 12 दूनी 24, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूना 8, 4 चौ 16, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, ये 8 आ गया, 4 10 के शून्य, हाँ सिले आ गया, 8 एक 9 10 आ गया, 1008 प्लस ये जो एक बचा था एक आ जाएगा। फिर इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, 5 1008 एक 1009 आ जाएगा। इसको आप लिख लेंगे हिंदी से, आता है यह भाज्य संख्या है क्योंकि
क्योंकि अभाज्य अभाज्य गुणन खंड एक को छोड़ पर दो अन्य गुणन खंड है। यह आपका सिद्ध हो गया। यही आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको पेपर में लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन बोला क्या, किसी खेल के मैदान में, ये एक आपका मैदान हो गया, ठीक, खेल का मैदान होगा। एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार, इस मैदान का एक चक्कर लगा, वृत्ताकार पथ हो गया मैदान में, ये वृत्ताकार पथ हो गया आपका, ठीक। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक। तो 12 मिनट लगते हैं, मान लीजिए दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही स्थान, जिसे यहाँ से चलना सोनिया भी प्रारंभ करती है और रवि प्रारंभ करती है, और एक ही दिशा, जैसे इसी दिशा पे दोनों चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर जाते हैं, करते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब इसको हम गुणनखंड विधि से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इसको 18 गुणनखंड विधि से उसी को हम ऐसे कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए हम अलग अलग कर लेते हैं। 18 का 2 नमा 18, 3 त्रिकाएं 9, 3 एकम 3। अब ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके थे, अब हमको बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपसे आने लगा होगा। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 18 का गुणनखंड 2 × 3 × 3। अब इसको हम मिटा के यहाँ पे 12 का कर लेते हैं, ऐसे ही 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अब यहाँ पे हम 12 का कर लेते हैं 2 × 2 × 3, इसको हम मिटा देते हैं। इसमें क्या, जैसे दो संख्याएं हो गई, अब ये क्वेश्चन फोर्थ नंबर जैसे बन गया, जैसे दो संख्याएं थी उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, इसमें इसका सूत्र बनेगा, दो संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम होगा, उसी संख्या से ये निकलेगा। पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, इसमें जो कॉमन हो गया उसी का वही एचसीएफ होगा, जैसे 2 और 3 का पेयर बन रहा है 2 × 3, इसका 6 एचसीएफ हो जाएगा। अब 6 निकल गया, अब इसका हम फार्मूला लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणन खंड इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब दो संख्याएं कौन सी है, 18 × 12, और एचसीएफ कितना निकाले थे, 6 × LCM हमको निकालना है। एलसीएम बराबर, ये दो संख्याएं इधर आ जाएंगे, 18 × 12, और जो एचसीएफ जो 6 है वो नीचे भाग में चला जाएगा, 6 × 6 = 12, 18 × 36। क्वेश्चन में
क्या पूछा गया? समय पूछा गया, इसलिए इसका आंसर आएगा मिनट में, 36 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही 10th क्लास की मैथ फ्री में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।